हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिपोर्टर सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्टूडेंट्स, 12th HSC बोर्ड, ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं 12th HSC रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है 21 मई 2024 को। स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ी कुछ डिटेल्स, इसके एग्जाम एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा, कौन सी वेबसाइट रहेगी, साथ ही साथ ये रिजल्ट की आपको प्रिंट निकालनी होगी। अगर आप इसका किसी कोई भी पेपर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, रीचेकिंग करना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे अगले 2 मिनट में। सो लेट्स स्टार्ट डिटेल न्यूज। यस बच्चों, तो फाइनली जिस चीज का था इंतजार वो घड़ी आ रही है, 12th का रिजल्ट, 12th HSC का रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, जो फरवरी मार्च 2024 में एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है ऑन 21 मई 2024 1 PM, मतलब कल सुबह, कल दोपहर को 1 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट ऑफकोर्स ऑनलाइन डिक्लेयर होगा, तो उसके 6 वेबसाइट्स दिए हुए हैं, mhresult.nic.in, साथ ही साथ hsreasult.mkcl.org, mahahscboard.in, results.digilocker.gov.in, ये भी ऑप्शन दिया गया है, डिजीलॉकर में डायरेक्टली रिजल्ट आपका आ जाएगा, tv9marathi.com, results.targetpublications.org। तो बच्चों, ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि जब रिजल्ट लगता है तो एट अ टाइम बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एट ए टाइम टूट पड़ते हैं रिजल्ट देखने के लिए। ऑफकोर्स भाई, सबको ही रिजल्ट देखना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और देखना अपना हक भी बनता है, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि अपनी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही लेवल पे होती है रिजल्ट देखने की, और भाई सर्वर डाउन हो रहा है, राउंड पे गोल 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 घूम ही जा रहा है, लेकिन रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार, मतलब पूरी कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठे हैं, पापा मम्मी अलग मोबाइल पे देख रहे हैं, अलग लैपटॉप पे देख रहे हैं, अपन अलग इस पे देख रहे हैं, सब टूट पड़े लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 6 वेबसाइट है, याद रखना। अगर नॉर्मली टॉप मोस्ट जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं, वो ज़्यादा करके क्राउडेड होते हैं, तो आप ये भी ऑप्शंस रेडी रखना, ये भी वेबसाइट्स पे देखते रहना, रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, डिजी लॉकर का मैंने आपको बता दिया, डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ बात करते हैं वेरीफिकेशन की। अगर कोई स्टूडेंट्स रिजल्ट के साथ एग्री नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर प्रॉपरली चेक नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन करना है, मार्क्स बहुत कम लग रहे हैं, फेल हुए, वॉट एवर द सिचुएशन इज, सो बच्चों गुण पड़ताळणीसाठी, म्हणजे रीवेरिफिकेशन, दैट इज वेरिफिकेशन साठी, उत्तरपत्रिका छाया प्रतिसाठी, मतलब अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, या फिर आपके जो आंसर पेपर है वो आपको मंगवाने हैं, ऐसा भी हो सकता है यू आर टॉपर ऑफ द बैच, आपको आपका खुद का पेपर देखना है, आपको कलेक्ट करके रखना है आपकी मेमोरी के लिए, रिजल्ट बहुत कम है इसलिए पेपर देखना है, जो भी सिचुएशन है, अगर आप पेपर मंगवाना चाहते हो या फिर वेरीफाई करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए ऑप्शन है 22 मई, मतलब नेक्स्ट डे, रिजल्ट कब है 21 मई को, उसी के अगले दिन 22 मई से लेकर 5 जून तक 15 डेज का ऑलमोस्ट टाइम दिया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो verification.mh, उसके लिए एक ही सिंगल वेबसाइट है बच्चों, verification.mh/hs-hsc.ac.in, ठीक से टाइप कर लेना ये वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे आप वेरिफिकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। वेरिफिकेशन फाइल करने के बाद ऑफकोर्स आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के आप पेमेंट यूज करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास ये ऑप्शन है, और अगर आप रिजल्ट के साथ एग्री नहीं हो, एक तो रिजल्ट ये हो सकता है कि सपोज आप फेल हो गए तो आपको री एग्जाम देनी है, या फिर आपका रिजल्ट आया है लेकिन आपको और इम्प्रूव करना है, क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम बोलते हैं उसे, कि भाई मैं इस रिजल्ट से एग्री नहीं हूँ, मुझे खुद का रिजल्ट इम्प्रूव करना है, क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम, तो बच्चों उसका अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाली है, जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाली है बच्चों के लिए, री एग्जाम जो होने वाली है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, दैट इज 27 मई 2024 से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप फेल हो या फिर आपको रिजल्ट अगर आपको इम्प्रूव करवाना है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, ऐसा कब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई ड्रीम कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना आप सोच रहे थे, लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे जाना तो वहीं पे है,
तो इम्प्रूव करना है, खुद का रिजल्ट इम्प्रूव करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप री एग्जाम दे सकते हो, जुलाई अगस्त में जो होने वाली है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 मई से। स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, बट मेक श्योर आपका रिजल्ट जो भी हो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस। बच्चों ये रिजल्ट आपके लाइफ पूरी डिसाइड नहीं करने वाला है, सो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट अगर डाउन भी हो तो खुद को संभाल लो, दिस इज़ द टाइम। आपको रियलाइज़ हो जाए कि रिजल्ट कम है तो एटलीस्ट आप टारगेट रखिए कि नेक्स्ट टाइम हम फ्यूचर में खुद को कैसे इम्प्रूव करें, बस खुद को कोसना नहीं है। और पेरेंट्स मेरी आप सबसे एक जस्ट रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों का रिजल्ट दूसरे के बच्चों के साथ कंपेरिजन करके डीमोटिवेट मत करिए बच्चों को। देखा शर्मा जी का बेटा, देखा उसको इतने रिजल्ट आया, तू तो कुछ भी नहीं लाया, नालायक कहीं का, पढ़ाई नहीं करता था, एग्जाम के टाइम पे बस घूमता फिरता था, ये वाला बस सिचुएशन मत लाइए बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट अगर कम आ जाए तो बच्चा खुद डीमोटिवेटेड होता है। और अगर आप ऐसे कुछ चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग, वो चार लोग जब टूट पड़ते हैं ना तो बच्चा ऑलरेडी और ज़्यादा निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। सो वॉट एवर द रिजल्ट इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट पार्ट। आगे के एग्जाम्स में, फ्यूचर एग्जाम्स में खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो टारगेट रखना। और स्टूडेंट्स ट्वेल्थ कॉमर्स अगर आप बिलोंग करते हो, ट्वेल्थ साइंस से बिलोंग करते हो, लेकिन ट्वेल्थ साइंस कॉमर्स जो भी है उसके बाद अगर आप फ्यूचर जर्नी में कॉमर्स सिलेक्ट करते हो, जैसे कि बीकॉम है, बीबीए है, सीए सीएम है, जो भी कोर्सेस आप सिलेक्ट करते हो रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन केकेसीए, केके कॉमर्स अकेडमी, हमारा ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर लेक्चर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होता है। नासिक में दो ब्रांचेस है, एक है कॉलेज रोड पे, दूसरा है पंचवटी में। सो स्टूडेंट्स फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नाम, नंबर, डिटेल सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी ही मिलते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।